तो गाइस आप देख सकते हो अपनी N10 की मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट और क्या क्या होने वाला है। वैसे मॉडल टॉप है बट क्या क्या और रिक्वायरमेंट होती है विजय भैया थोड़ी सी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो विजय भैया बैक से शुरू करते हैं, क्या क्या करके दिया। तो ये हमारा बलेरो का N10 मॉडल और इसके अंदर हमने लगाया है रिफ्लेक्टर, ठीक है भैया। साथ ही साथ आप रियर गार्ड लगा सकते हैं या बैक डिफ्यूजर भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। दोनों चीज अवेलेबल होता है। साथ ही साथ ये तो इसमें स्पॉलर लग क्या हुआ है, पर जिनके पास N4 या N8 है तो आप हमसे स्पॉलर भी लगवा सकते हैं, ठीक है भैया। इसके अंदर कैमरा भी लगाया हमने, कैमरा N10 में भी कैमरा नहीं आता। ये हमारा सीट कौन है, सीट कवर की क्वालिटी फिनिशिंग देख लो भाई, और भी मैट डल रहा है कैंडी। ये मैं देख रहा हूँ विजय, काफी अच्छा कलर और काफी डिमांडिंग रहने वाला है गाड़ी के लिए, ठीक है। तो साइड से हमने टर्बाइजर लगाया है, ठीक है भैया। अभी बिफोर इसमें रूफ रेल नहीं आते और भैया ने लगवाए नहीं है, और हमारे पास रूफ रेल का भी 3-4 ऑप्शन है, रूफ रेल भी आपको मिल जाता है, ठीक है भैया। साथ ही साथ आप हैंडल क्रोम भी लगा सकते हैं, विंडो गार्निश भी लगा सकते हैं, साइड ग्लाइडिंग भी लगवा सकते हैं, और व्हील आर्क ग्लाइडिंग भी अवेलेबल होता है वो भी लगवा सकते हैं, ठीक है भैया। फुटरेस्ट आता है इस मॉडल में बट N4 पे अपने पास बहुत सारे रहने वाले भैया, फुटरेस्ट आते हैं। ये हमारा 10D मैट है, साथ ही साथ आप फ्लोरिंग भैया ने कराया नहीं, पर आपके ऑप्शन है फ्लोरिंग करा सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उस पर आपको डस्ट जो भी जाएगा या पानी कीचड़ कुछ भी जाए आप इजी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेंट्रल वाली सीट है, फिटिंग इसका भी आप चेक कर लीजिए, ये आर्मरेस्ट है हमारा, ठीक है भैया। अगर आपको यहाँ ग्लास होल्डर लगानी है तो ग्लास होल्डर भी लग जाएगा, ठीक है। तो भाई N10 वाले भाई जैसे उसके लिए टाइम निकाल के आना होगा, टाइम लगता है उसमें, ठीक है भैया। और आगे से एक बार व्यू देख लेते हैं भाई, आगे से लुक कैसी आ रही है गाड़ी की। तो ये हमारा कुछ फ्रंट के हैं, थाई सपोर्ट के साथ, ठीक है। और डिज़ाइन भी देख लो भाई, और कलर जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी में लगने के बाद। देखने से आप बोलोगे कि जैसे मैच नहीं कर रहा बट लगने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लगता है। यहाँ पे सीट पर हो गया, आगे का ये हमारा मैट है उप्पो ब्रांड का कैंडी, यहाँ पे यहाँ लाइट वाले बिना लाइट वाले इसको प्लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी रहने वाला है। बाकी एक बार स्टीयरिंग कवर भेजे मैं थोड़ा सा क्लोज लुक दिखा देता हूँ, ये कुछ आप देख सकते हो फुल डिज़ाइन रहने वाला है भेजे, ठीक है। तो ये कुछ रहने वाला, बाकी सामने स्क्रीन भी देख सकता हूँ, स्क्रीन भी लग गया इसके अंदर पूरा बेजल के साथ पियानो ब्लैक के साथ, लग ही नहीं रहा कि इसमें स्क्रीन कितनी बड़ी साइज है। अब यहाँ तक स्क्रीन है, यहाँ तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल करीब से देखोगे जब आपको स्क्रीन दिखेगा ऑन करने के बाद भी यहाँ बटन नजर नहीं आएगा, वॉल्यूम भी आपको यहाँ से कम बेसी होगा भाई, मतलब फुल आप देख लो पूरा मर्ज हो गया, और फिर पियानो फिनिश की फ्रेम रहने वाली है। और साथ ही साथ विजय भाई इसमें आर्मरेस्ट आते हैं, N10 में आते हैं, जिन भाई को लगाना हो वो हमसे लगवा सकते हैं, आमरेस भी अपने पास अवेलेबल रहने वाला है, सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा भैया, सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा, वो भी ऑप्शन है, आपने हमारी काफी सारी वीडियो में देख रखे होंगे, ठीक है। पिलर रैप कराने हो सीट के अगेंस्ट पिलर रैप हो जाएंगे, ठीक है। छत बनाने हो छत बन जाएगा, ठीक है। फ्लोरिंग मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ अगर आपको यहाँ स्विच लगाना हो, ठीक है, यहाँ पे स्विच भी लग जाएंगे। तो भाई हमने अपने पिछली वीडियो में डाला था आप देख सकते हो, और काफी प्यार दिया आप लोगों ने, और ये ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है बलेरो न्यू N10 में भी नहीं आता जैसे विजय भैया दिखा रहे हैं, और आपके पास सारे ऑप्शन रहने वाले। तो विजय भैया ले लेते हैं फिर कस्टमर से रिव्यू, ठीक। तो गाइस कार के ओनर भैया हमारे साथ आ चुके हैं, जानते हैं कहाँ से हैं और क्या नाम है। तो वेलकम टू किशल कार केयर, क्या नाम है आपका। मैं गुड़गांव से हूँ, मेरा नाम सुरेश भाटोटिया है। और भैया आपका नाम क्या है। सतीश कुमार, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आया हमारी शॉप पे भैया। नहीं मैं पहले भी आया हूँ भाई से, अच्छा वो है, ठीक है, पहले काम करवा चुके हैं। हाँ, भाई बहुत अच्छा, ठीक है। N10 रहने वाली भी भैया, लेकिन काफी चीजें कंपनी से भी नहीं आती है जैसा कि आपने सारी चीजें दिखाई दी है। N4 और N10 के अंदर मुश्किल से 6-7 चीजें का ही अंतर होता है बलेरो गाड़ी के अंदर, ठीक है। और गाड़ी में तो काफी अंतर होता है पर बलेरो में 6-7 चीजें का ही अंतर होता है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं होता। पर इस गाड़ी में भी काफी चीजें लगते हैं, जैसा पहला नंबर तो सीट पर ही नहीं देता कंपनी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको मैट नहीं देता, रबर का मैट ऐसी बेसिक सा देता है, ठीक है।
उसके बाद आपको स्टेयरिंग कोर नहीं मिलता इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से रूफ रेल डोरवाइजर कुछ भी नहीं आता इसके साथ लग के, तो काफी एंटेन में भी काफी, तो काफी सारा काम आपको कराना ही पड़ता है एंटेन लेके, ठीक है। गार्ड वगैरह भी लग जाते हैं भैया ने जैसे नहीं करा जाएगा, ये आपको पीछे का डिफ्यूजर लग जाएगा, फ्रंट का डिफ्यूजर लग जाएगा, साइड ग्लाइडिंग लग जाएगा, पिलर जो अभी मैंने आपको एक एक चीज दिखाया वो सारे चीज इसमें मिल जाएगा, ठीक। और सब ने ज्यादा चीज नहीं लगवाए हैं, सीट को लगाए, स्टेयरिंग को और मैट डलवाए हैं, स्पीकर चेंज कराए JBL का, कैमरा लगवाया है ब्लो पंक का, और हेड यूनिट लगाया मेगा ऑडियो का ट्रोनी, ठीक है। तो भैया सारी चीजों की फिटिंग हो चुकी है, अब गाड़ी तैयार है, तो आप देख सकते हो कैसी है फिटिंग वगैरह, थोड़ा सी डिटेल। नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, भाई ने बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम किया है, और सीट कवर में काफी काम किया है, हट के काफी कलर चुना है, बिल्कुल हट के काम होता है। और आपकी शॉप मतलब मैं तो ये कहूंगा जो भी भाई आपकी देखे इस चैनल को, इसी जगह पर आए क्रिस्टल कार, क्रिस्टल कार के, तो ओवरऑल में बोलो काम से सेटिस्फाइड हो भैया? नहीं, बिल्कुल 100%। और भैया आपको कैसी लगी फिटिंग वगैरह? अच्छी लगी, पहले भी करा के ले गए, वैगनार यहीं कराई थी हमने। अच्छा, तो सीट कवर में बैठ के देखा कंफर्टेबल है? हाँ, बढ़िया, आराम से। मुझे भैया करते हैं फिर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भैया। तो गाइज ये थी अपनी बलेरो नियो की मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा काम कराना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं क्रिस्टल कार के करोल बाग में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।